स्वागत है और मैं इस समय हूँ थाना विश्वविद्यालय ग्वालियर के, जहाँ पर आपको बता दूँ कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल महिला क्रिकेट जो है T20 उसका फाइनल मैच था, जिसमें पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद यहाँ पर कुछ सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम के खिलाफ लगातार ग्वालियर पुलिस की धरपकड़ जारी है और इसी श्रृंखला में कल थाना विश्वविद्यालय पुलिस ने कुछ सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ में नगर पुलिस अधीक्षक रत्नेश सिंह तोमर जी हैं, हम से पूरी जानकारी लेंगे। सर, कल जो सट्टेबाज पकड़े गए हैं उनके बारे में किस तरह से पुलिस को जानकारी मिली, पूरा घटनाक्रम क्या था? वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कल भी इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर क्राइम ब्रांच और यूनिवर्सिटी पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें दो आरोपी कृष्णा अपार्टमेंट से, जो कि मूल से भीलवाड़ा के रहने वाले थे, उनको ऑनलाइन सट्टा करते हुए पकड़ा गया था और जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और कुछ कैश बरामद हुआ था। बाकी का जो भी हिसाब है वो ऑनलाइन है, उनके खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत थाना विश्वविद्यालय में कार्रवाई की गई। ये दो व्यक्ति पकड़े गए, इनके पहले से भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं? चूँकि मूलतः भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं, तो इस संबंध में हम लोग वहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं। जो लोग इनके यहाँ पे सट्टा लगाने आते थे उनकी भी कोई जानकारी मिली है? एक सारा कुछ ऑनलाइन है, एक बाबा है के नाम से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, उसी ग्रुप पे वो अपना जो भी लिंक वगैरह थी शेयर करते थे, उसी लिंक से ही पेमेंट वगैरह सब सारा ऑप्शन होता था, तो वो सारी चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। तो अभी कौन से मैच चल रहे थे सर, जिसपे ऊपर सट्टा लगा रहे थे? कल T20 मैच था, वुमेन T20 मैच था जी। सर, पुलिस इस कामयाबी को कैसे देखती है, मतलब कि क्या इस मतलब इस श्रृंखला में मतलब आगे भी वैसे सट्टेबाजों को पकड़ने के लिए कुछ चैन मिलेगी या कुछ इनका ग्रुप वगैरह कुछ? निश्चित रूप से इसमें आगे भी पुलिस कार्रवाई करेगी, जो भी ग्रुप के मेंबर हैं और जो जहाँ से लिंक आती है वो सबको ट्रेस करके जो सरगना है उसको पुलिस आगे कार्रवाई। धन्यवाद।